नमस्कार साथियों साथियों, आज मैं बात करूंगा यील्ड के बारे में। यील्ड हम तीन प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। एक करते हैं FTY, FPY और RTY। तो ये यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पूरी यील्ड में इसमें फार्मूला लगा दो, एक अकाउंटिंग आपको दिखाता हूँ एक्सेल में कैसे फार्मूला लगाते हैं, वो सारे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ आपके लिए FTY की। तो FTY क्या होती है, इसमें जो भी आपके गुड्स पार्ट्स होते हैं ओके पार्ट्स, ठीक है, और इंक्लूड करते हैं अगर वो रिवर्क पार्ट हुआ है उसको भी आप रिवर्क करके ओके कर देते हैं तो वो भी इसमें काउंट किया जाता है। तो इंक्लूड विद है ना, इंक्लूड इंक्लूडिंग इसमें रिवर्क और रिपेयर पार्ट जो भी करते हैं आप, और टोटल प्रोड्यूस पार्ट है, टोटल इंस्पेक्शन कितना किया है आपने, यानी कोई बैच बनाया आपने ये 5000 का जो प्रोडक्शन बनाया, 5000 इंस्पेक्शन करेंगे आप, तो 5000 बनाया प्रोडक्शन आपने, उसमें से रिजेक्शन निकला 10 पार्ट, ठीक है, इसमें से 40 पार्ट आपका हुआ था रिवर्क क्वांटिटी, ये रिपेयर क्वांटिटी की थी, यानी जैसे कोई पार्ट में आ गई बरसात की, यानी बरसात करना क्या हो गया रिपेयर, रिवर्क किया यानी आपकी आईडी थी अंडर साइज बन गई थी उसको ड्रिल करके दोबारा से रिवर्क कर दिया। तो ये इसमें आईडी आपकी अंडर साइज बन गई थी इसमें 40 पीस में, तो वो आपने रिवर्क कर दिया, और 21 पीस में आपका क्या वर आ गई थी, वर आने की वजह से आपने उसको रिपेयर किया, और 10 पीस आपके ओवरसाइज हो गए थे जो कि वो ना रिपेयर हो सकते थे ना रिवर्क हो सकते थे, वो रिजेक्ट करने पड़े आपने। तो 10 पीस की हमने कैलकुलेट की, तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल गुड्स पीस एंड टोटल गुड्स पीस कितने थे हमारे, तो टोटल गुड्स पीस थे 4990 और 5000 पीस हमने प्रोड्यूस किए थे, यानी प्रोडक्ट इंस्पेक्शन किए थे, जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो इंस्पेक्शन करेंगे हम, तो इसकी यील्ड कैलकुलेट कर दी हमने। तो टोटल ओके क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोड्यूस क्वांटिटी और टोटल इंस्पेक्शन क्वांटिटी, ठीक है। अब बात करते हैं हम FPY की। FPY क्या होती है, इसमें विदाउट रिवर्क एंड रिपेयर जो भी आपने रिवर्क और रिपेयर किए हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो आपने रिजेक्शन बना दिया, वो रिजेक्शन में ही काउंट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे रिजेक्शन में काउंट किया, तो टोटल रिजेक्शन यहाँ पे इतने काउंट किए, तो टोटल रिजेक्शन में काउंट कर दिया उन्होंने, ये देखो रिवर्क और रिपेयर भी काउंट किए और रिजेक्शन भी काउंट की, दोनों काउंट करके ये हो जाते हैं आपके 71 पीसेस, और जो आपने फिर काउंट किए थे उसमें माइनस कर दिए जाएंगे, तो ओके क्वांटिटी आपकी इतनी बनेगी है, ठीक है, इतने पार्ट हो गए, जिसे बेसिकली बोलते हैं कि प्रोसेस यील्ड बोलते हैं इसे, जो प्रोसेस आपका एक प्रोसेस होता है उसकी यील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो इस प्रकार से FPY कैलकुलेट करते हैं, जहां से हमने ये कैलकुलेट कर दी है यील्ड। अब बात करते हैं हम RTY की। तो इसमें जो हमारे प्रोसेस में यील्ड होती है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, एक ऑपरेशन दूसरा ऑपरेशन तीसरा ऑपरेशन, उस ऑपरेशन की यील्ड कितनी कितनी आ रही है, एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी हम, ये देखिए साथियों से एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, जी के बेसिकली ये आपकी कंपनी में बहुत यूज होता है फॉर्मेट, इस प्रकार से बनाया गया है। जैसे मैंने एक पहला ऑपरेशन लिया, दूसरा ऑपरेशन, तीसरा ऑपरेशन और चौथा ऑपरेशन, यानी 4 ऑपरेशन लिए हैं। तो पहले ऑपरेशन पे मैंने पार्ट्स बनाए, 800 पार्ट प्रोड्यूस किए और मैंने इसमें 10 पार्ट रिजेक्ट कर दिए, 10 पार्ट रिजेक्ट हो गए, तो 10 पीस मैंने माइनस कर दिया इसमें से, तो ये मेरा ओके क्वांटिटी बची 7990 पीस। तो इसकी यील्ड ये आ गई एक प्रोसेस की। दूसरे प्रोसेस की, अब ये जो क्वांटिटी है यही तो मिलेगी दूसरे स्टेप पर जाके दूसरे प्रोसेस को, तो ये मिला मेरे दूसरे प्रोसेस मिला 7990 पीस मिले, इसमें से 12 पीस रिजेक्ट कर दिए, इतनी ओके क्वांटिटी मिली। तो इसकी यील्ड मैंने ये कैलकुलेट कर ली, ऐसे ये पीस मेरे को यहाँ मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे ये पीस यहाँ मिलेंगे, इस प्रकार से, इसी प्रकार से मैंने इसकी किसी भी यील्ड कैलकुलेट की, इसमें से माइनस कर दिया ये, तो ये यहाँ पे इतना पीस बना, तो इसकी यील्ड आ गई। इसी प्रकार से तीनों मैंने चारों प्रोसेस की यील्ड कैलकुलेट की अलग अलग, है ना, एक एक स्टेशन पे, एक एक आपके ऑपरेशन पे क्या क्या यील्ड आ रही है एक एक स्टेप पे। तो 4 स्टेप थे मेरे, 4 स्टेप की यील्ड कैलकुलेट कर ली मैंने। अब मैं इसको RTY यील्ड कैलकुलेट करूंगा, तो ये 4 स्टेप की यील्ड को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 4 स्टेप की यील्ड को मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये मेरी यील्ड आ रही है 97.58, ठीक है, तो ये 97.58 यील्ड आ रही है, ये हमारी RTY यील्ड होगी, यानी कि ये टोटल हमारे पार्ट्स थे कितने रिजेक्ट हुए वो अगर हम काउंट करेंगे, तो ये परसेंटेज देखेंगे टोटल परसेंटेज कितनी आ रही है, क्योंकि हमारे पास ओके पार्ट तो यही बना, टोटल हमने पार्ट्स बनाने थे, ये बनाने थे पार्ट्स हमारे, ठीक है, इस पार्ट के लिए हमने ये पार्ट्स हमारे ओके मिले हमें बस,
जहां तक ओके हमारे पार्ट मिले हमें, इसको डिवाइड करेंगे ये, तो ये यील्ड आ जाएगी और यही आपकी रिजेक्शन परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी आपकी रिजेक्शन हुई है सारे स्टेशन पर, सारे स्टेशन की रिजेक्शन काउंट की जाएगी, और जो आपने फर्स्ट प्लानिंग प्रोड्यूस किए थे यानी कि हमने जो इंस्पेक्शन किए थे 8000 पीस, उससे हम इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे और इनटू 100, तो ये रिजेक्शन परसेंट होती है, और इसी में इसको हम पीपीएम कैलकुलेट कर देते हैं, टोटल रिजेक्शन डिवाइडेड बाई टोटल प्रोड्यूस क्वांटिटी और 10^6, है ना, तो पार्ट पर मिलियन एफ। तो ये इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कैलकुलेट की आरटीवाई यील्ड, यील्ड समझ लिया हमने, दो प्रकार से तीन प्रकार से यील्ड कैलकुलेट करते हैं हम, कौन सी, एक तो हम करते हैं एफटीवाई, एफपीवाई जो हमारे प्रोसेस की फर्स्ट यील्ड होती है, इस प्रोसेस की फर्स्ट यील्ड और सेकंड, और इस प्रकार से और तीनों को मिला के जो कैलकुलेट करते हैं यील्ड, वो हमारी आरटीवाई यील्ड होती है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं सीओपीक्यू और ये डीबैकडी इसकी ट्रेनिंग देता हूँ, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये सारी ट्रेनिंग्स हैं मेरी, तो ये सारी ट्रेनिंग ले सकते हो, और भी ट्रेनिंग्स हैं, ये भी लेना चाहते हैं ये भी ले सकते हैं, ये सारी ट्रेनिंग दी हुई है ऐसे, ये सब ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं आप। ओके साथियों, थैंक यू वेरी मच।